एक, स्टीव जॉब्स को उनके फोन का नाम आईफोन रखना बेहद महंगा पड़ा। एप्पल ने अपना पहला आईफोन 2007 में लॉन्च किया, लेकिन जैसे ही सिस्को कंपनी तक ये खबर पहुंची, तो सिस्को कंपनी ने एप्पल के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, और केस करने की वजह थी फोन का नाम आईफोन होना। आईफोन सिस्को कंपनी के एक प्रोडक्ट का नाम भी था, और उस प्रोडक्ट को यूज करके इंसान बिना कंप्यूटर के स्काइप यूज कर सकता था। जब स्टीव जॉब्स ने भी अपने फोन का नाम आईफोन रख दिया, तो सिस्को कंपनी के मालिक सैंडी लर्नर बेहद गुस्सा हो गए और स्टीव को कोर्ट तक ले गए। बाद में एप्पल और सिस्को ने मामला रफा दफा किया, और आज दोनों ही कंपनियां आईफोन नाम का प्रोडक्ट निकालती हैं। तो आपने ढेरों आईफोन के एड्स देखे होंगे, और ये एड्स देख के आप आईफोन को और भी पसंद करने लगे होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईफोन के हर एड में मोबाइल की घड़ी में 9:41 ही होते हैं। आज से 12 साल पहले स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया था, और जिस समय उन्होंने आईफोन को पहली बार दर्शकों के सामने रखा, वो समय 9:41 था। और इसीलिए आज भी हर एक आईफोन और आईपैड के एड में टाइम 9:41 ही होता है। 3, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आईफोन बनाने का आइडिया स्टीव जॉब्स को आईपैड बनाते वक्त आया। जब एप्पल के इंजीनियर्स पहला आईपैड बना रहे थे, तब स्टीव ने सोचा कि टैबलेट की जगह फोन्स लोगों के ज्यादा काम आ सकते हैं, और उसकी छोटी साइज की वजह से इंसान फोन को कहीं भी यूज कर सकता है। उन्होंने आईपैड का काम बीच में छोड़ दिया और अपने इंजीनियर्स को आईफोन बनाने के निर्देश दिया। जो मल्टी टच फंक्शनैलिटी वो आईपैड में यूज करने वाले थे, अब वही फंक्शनैलिटी उन्होंने आईफोन में इस्तेमाल की, और इसी कारण अब आईफोन को पहले लॉन्च किया गया और उसके काफी समय बाद आईपैड को मार्केट में लाया गया। 4, जैसे भारत में जियो, एयरटेल और आइडिया प्रमुख टेलीकॉम खिलाड़ी हैं, वैसे ही अमेरिका में 2007 में वेरिजॉन वहां का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। लेकिन जब स्टीव वेरिजॉन के पास आईफोन का आइडिया लेकर गए और आईफोन में सिर्फ वेरिजॉन की सिम चलाने की पेशकश की, तो वेरिजॉन ने ये डील ठुकरा दी। फिर स्टीव जॉब्स AT&T नामक कैरियर के पास गए, और AT&T ने स्टीव की डील अपना ली, और पहले आईफोन ने सिर्फ AT&T नेटवर्क पर ही काम किया। 5, सैमसंग और एप्पल में कई बार बिजनेस को लेकर बेहद लड़ाई हुई है, और दोनों ने एक दूसरे पर डिजाइन चोरी करने के आरोप भी कई बार लगाए हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इतनी लड़ाई होने के बाद भी आज भी एप्पल सैमसंग से ही अपने आईफोन के प्रोसेसर्स बनवाता है। दुनिया के सामने ये दोनों कंपनीज हर आए दिन लड़ती रहती हैं, लेकिन ये दोनों ही कंपनी साथ में काम भी करती हैं और करोड़ों डॉलर छापती हैं। 6, अगर आपने कभी एप्पल का आईफोन या आईपैड यूज किया होगा, तो आपने एप्पल मैप्स से डायरेक्शन जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी एप्पल मैप्स के आइकन पर ध्यान दिया है? अगर आप एप्पल मैप्स के आइकन को ध्यान से देखेंगे, तो उस आइकन में आपको एक मैप दिखेगा, जो कि आपको एप्पल के ऑफिस का रूट बता रहा होगा। ये आइकन एप्पल के कैलिफोर्निया स्टेट का क्यूपर्टिनो शहर के ऑफिस का रास्ता दर्शाता है। 7, आज पूरी दुनिया आईफोन के पीछे भाग रही है, और सिर्फ साल 2018 में ही एप्पल ने पूरी दुनिया में 220 मिलियन यानी करीबन 22 करोड़ फोन्स बेच दिए हैं। आज स्टॉक मार्केट में एप्पल का एक शेयर $223 से भी ऊपर पहुंच गया है, और ये कंपनी दिन दुगना रात चौगना तरक्की कर रही है। आज नए नए फीचर्स के ढेर सारे एंड्रॉयड फोन्स भी निकल रहे हैं, लेकिन इनसे भी आईफोन की बिक्री में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपके आईफोन के बारे में क्या विचार हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।